Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So dear student, from the previous and the last topics, we have already discussed about the culture and different kinds of culture, and already about the different cultures of Pakistan, which is contains about in our country. अपने मुल्क में सकाफतों के बारे में हम पढ़ चुके थे, उसके आदात फराक तौर तरीके मुकम्मल हम जान चुके हैं और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान के या पाकिस्तान का जो सकाफती वरसा है और इसी के मुताबिक इसकी जो मुश्तरक खसूसियात के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के सकाफती वरसे में यानी कौन कौन सी ऐसी खसूसियात है जो मुकम्मल मुल्क में पाई जाती हैं और मुख्तलिफ शोबों में उसकी यकजहती के तौर पर हम उसको क्या करते हैं, उसको एप्लीकेबल और हम मानते हैं. सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो मुश्तरक खसूसियात में हैं, जिस तरह हम अपनी सकाफतों को हम स्टडी कर लेते हैं, तो जिस पर रोमन ईरान और यूनान की जो सकाफती की जो असरात हैं हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं. इसमें से जो मुश्तरक खसूसियात में जो मेन जो हमारे यहाँ पंजाब और फिर इसके बाद सिंध की जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो तहजीबें हैं यहाँ पर जन्म ले चुकी हैं और उसके असरात हमारे यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों पर हैं. इसी के साथ साथ हम गंदारा तहजीब और वादी सिंध यानी इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है हम उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक्स में. आज हमारा जो टॉपिक है इसमें पाकिस्तान की जो मुश्तरक खसूसियात हैं जो हज़ारों साल सकाफती वरसे का हिस्सा हैं और हमारे रुझानात में फ़नून की शक्ल में और फिर इसी के साथ इल्म की शक्ल में दीगर खसूसियात यानी आदात फसलात तौर तरीके ज़ुबान और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं आज भी ऐसा है जिसे समझने और परखने के लिए हमें अपनी माजी में जाना पड़ता है. यानी सकाफत का जो सिविलाइजेशन का जो बुनियादी तस्वर किया जाता है उसका ताल्लुक माजी से होता है. और पहले टॉपिक्स में हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि जितनी भी जो तहजीब जितनी भी उसकी यादें और उसकी जो वाबस्तगी वो माजी के साथ जितनी मजबूत होती हैं वो रिच और मादार तरीन और अमीर तरीन और मजबूत सिविलाइजेशन में और तहजीब में उसका शुमार होता है. आज हमारे यहाँ जितनी भी तहजीब के हवाले से जो मुश्तरक खसूसियात हैं कि पाकिस्तान के जो सकाफती वरसे हैं हम हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के जो खसूसियात हम उसको डिस्कस करेंगे तो इसमें से सबसे पहले जो हमारे यहाँ इस्लाम की नज़र में जो हमारे यहाँ बतौर मज़हब और मज़हब इस्लाम और मुसलमान होने के नाते जो हमारे यहाँ मुल्क मुकम्मल तौर पर जो मज़हबी रुझान की वजह से यकजहती की वजह से हमारे यहाँ हमारे मज़हब इस्लाम का हमारे कल्चर पर कौन कौन से ऐसे असरात मुरतब होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़हब के साथ रिलेटेड हैं. मगर पिछले 1000 साल से जो हमारे यहाँ मज़हब मज़हब इस्लाम ने हमारे तहजीब और सकाफत पर जो गहरे असरात मुरतब किए हैं उन्हीं को बुनियाद बनाकर हम हमारी सकाफत की जो नुमाया खसूसियात हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारी खसूसियात हैं वो है मज़हबी यकजहती. हमारी सकाफत की सबसे बड़ी खसूसी और खासियत यही कि इसमें इस्लामी रंग है. यानी मज़हबी खसूसियात में इस्लामी रंग नुमाया है. यानी जितने भी हमारे यहाँ मज़हबी यकजहती हैं इसमें इस्लामी रंग अगर हमारे मज़हब इस्लाम हमारा दीन इसके साथ साथ हमारा जो इस्लामी मुल्क है उसी पर हमारे यहाँ हमारी सकाफत पर हमारे मज़हब और हमारे दीन का जो असर है वो बहुत गहरा है. हमारी आबादी के गालिब अक्सरियत मुसलमान है और एक मजबूत कड़ी है जो हमें भाईचारे और मोहब्बत और दोस्ती के लाजवाब रिश्तों के साथ तो वाबस्ती के साथ जो है हमें जोड़ी हुई है. इनमें से जो इस्लामी रंग में मोहब्बत है भाईचारा है अख़ुवत है कुर्बानी का आंसर है तो दीगर ऐसे खसूसियात जिसको बुनियाद बनाकर इस्लामी रंग नुमाया है हमारी मज़हबी यकजहती पर और हमारे यहाँ मज़हब का असर जो है ना हमारे सकाफत पर बिल्कुल गालिब और वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है. फिर इसी के साथ क्योंकि इस्लाम में नस्ल नस्ली बरतरी ज़ात पात और इलाकाई बुनियाद पर हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती कि इस्लाम बराबरी की बुनियाद पर तमाम लोगों के साथ तमाम इंसानों के साथ बराबरी की बुनियाद पर क्या करना है इस्लामी रंग के नुमाया नाते होने की वजह से हम क्या करते हैं उसको मुश्तरक यकजहती और मज़हबी खसूसियात की वजह से वो मुकम्मल तौर पर
इसमें नफी करता है यानी इलाकाई दड़े की बुनियाद पर नफी करता है और किसी के साथ बराबरी की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर, इलाकाइत की बुनियाद पर, सूबे की बुनियाद पर, ये मुकम्मल तौर पर इस्लाम उसको नफी इसकी नफी करती हैं और उसकी उसको बुनियादी तौर पर बंद कर लेती हैं कि एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों के साथ आज़ादाना मेल जोल और उसी के साथ उसके जो ताल्लुक होता है रिश्तेदारियाँ होती हैं और इसी के साथ साथ मुल्क में जुमला अकलियतों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर तरह के हुकूक दिए जाते हैं यानी इस्लामी रंग होने के नाते इसमें से जितने भी तमाम लोगों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो नुमाया तौर पर हमारे इस्लामी रंग का हिस्सा है यानी इनमें से जितने भी हमारे यहाँ मजहबी हुकूक के हवाले से और मजहबी यकजहती के हवाले से जो हमारे मजहब पर और मजहब का हमारे सकाफत पर और फिर इसी के साथ साथ हमारे जितने भी इस्लामी तर्ज के मुताबिक जितनी भी खसूसियात हमारी सकाफत और हमारे मजहब का ऐसा है उसी को बुनियाद बनाकर उस पर जितने भी असरात हैं वो सबसे जो बुनियादी तौर पर हमें दर्ज देता है वो ह्यूमन राइट्स यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरफ हमारे यहाँ हमारे मजहब का झुकाव बहुत ज़्यादा है और उसकी तरगीब देता है। इसी के साथ साथ दूसरी हमारे यहाँ पाकिस्तान सकाफत एक मखलूत सकाफत है यानी मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें यहाँ पर मुंजमद हो चुकी हैं और इसके असरात हमारी सकाफतों पर गालिब आ चुकी हैं और इसके मुख्तलिफ नुमाया पहलू होते हैं मसलन मकामी कदीम के बाशिंदों के यहाँ अरबी ईरानी तौरानी और यानी तौरान के ममालिक से जितने इलाकों से जितने हमारे यहाँ तहजीब आई हैं और यहाँ पर असरात छोड़ चुके हैं नकूश छोड़ चुके हैं इसी के साथ रोमन और यूनान के जो असरात हमारे सकाफतों पर हैं तो इनमें से नुमाया खसूसियात उन यूनानी नस्लों के लोग यहाँ पर जो आबाद हो चुके हैं हर ग्रोह अपने साथ अपने इलाकाई और अपने इलाके की इलाकाई बुनियाद पर नस्ल की बुनियाद पर और पेशे के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के नौयत इलाकाई सालमियत की बुनियाद पर रंग और नस्ल की बुनियाद पर जो जिस इलाके में ज़िंदगी गुजारते थे उसी को मुताबिक वो अपनी सकाफत को परवान चढ़ाते थे और अपनी ज़ुबान को अपनी सकाफत की बुनियाद पर यानी मखलूत सकाफत की बुनियाद पर राइज करने की कोशिश करते थे यानी जितनी भी अगर हम यूनान की और फिर रोमन एम्पायर की या दीगर ईरानी और इब्रानी या और अरबी सकाफत को हम स्टडी कर लेते हैं तो मखलूत सकाफत का असर हमारे यहाँ सकाफतों पर बहुत नुमाया तौर पर काबिल ज़िक्र है और उस पर देखने में आता है यानी इनमें से जो रहन सहन तौर तरीके खुराक लिबास अतवार और इसके जो जितने भी मखलूत के सकाफत के रिलेटेड जो तरीके होते हैं वो हमारे यहाँ सकाफतों का नुमाया हिस्सा है यानी इनमें से इस ग्रोही सकाफत ने दूसरे ग्रोहों पर भी असर डाला और सकाफती इदारों का मरकज पाकिस्तानी सकाफत है यानी पाकिस्तानी सकाफत ऐसी मखलूत सकाफत की खसूसियात में शामिल है जिन पर मुख्तलिफ दीगर ममालिक के दीगर अकवाम के जो सकाफतें यहाँ पर आई हैं पली बड़ी हैं उनके असरात मखलूत सकाफत की शक्ल में पाकिस्तानी सकाफत पर वाज़ह तौर पर नुमाया और नज़र आते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर हम मर्द औरत के मकाम का जिक्र कर लेते हैं तो इस्लाम से पहले दीगर मजाहब ने कभी भी औरत को माशरे में वो मकाम नहीं दिया जो ज़माने जाहिलियत के बाद जो नबी करीम सल्लम की सीरत तैयबा का हम मुताला कर लेते हैं कुरान को स्टडी कर लेते हैं और दीन इस्लाम ने एक वाज़ह तौर पर औरत को वो मकाम दिया जो पहले कभी दीगर मज़हब कभी दीगर सकाफत किसी दीगर तहजीब ने उनको वो मकाम नहीं दिया और न बख्शा जो मज़हब इस्लाम ने उनको बख्शा है यानी माँ की शक्ल में बेटी की शक्ल में बीवी की शक्ल में मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ दर्जात की बुनियाद पर उनको मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त वक़ार और आबरू के साथ नवाज दिया यानी पाकिस्तानी माशरे में मर्द को जो मरकज़ी हैसियत हासिल है उसी को वो ख़ानदान का सरबरा होता है और नस्ल बाप के नाम से चलती हैं और फिर इसी के साथ साथ जो मर्द होता है वो अपने माशरे का सरबरा होता है और इसी के मुताबिक पाकिस्तानी माशरे में औरत को भी एक अहम मकाम हासिल है और इसी के मुताबिक घर में जो इसकी जो अंदर की उसकी जो हाकिमियत होती है वो औरत की होती है और औरत को अपने माशरे में यानी इस्लाम मज़हब की नज़र में जितने हुकूक जितने इज्जत और जितने वक़ार के साथ उन्होंने इज्जत दी है वो किसी दीगर मज़हब ने नहीं दी और औरत को यहाँ तक कि देख घर की देखभाल और घर की चार दीवारी की मुकद्दस और तकद्दस को महफूज बनाने के लिए जितना अहम मकाम औरत को दिया गया है दीगर किसी मज़हब और दीगर की सकाफत और तहजीब ने यानी कल्चर ने उसको नहीं दिया गया यानी औरत को इस्लाम की नज़र में तालीम हासिल करने जायदाद बनाने कारोबार करने और फिर इसके साथ साथ विरासत में इस्लामी कानून के मुताबिक हिस्सा देने तमाम वो चीज़ें इसमें शामिल हैं जिसमें इस्लाम की नज़र में
और अपनी ही सकाफत के मुकाम पर हम औरत को वो मकाम दे रहे हैं जो इस्लाम ने औरत को बख्शे हैं। इसी के साथ साथ इस्लामी कवानीन के मुताबिक हिस्सा तलब करने का पूरा पूरा हक दिया गया है, यहाँ तक कि शादी में इसकी रजामंदी भी लाजमी करार दी गई है कि इस्लाम ही वाहिद एक दीनी फितरत और मज़हब है और मुकम्मल सच्चा दीन और आलमगीर मज़हब है जिसकी बुनियाद बनाकर औरत से शादी के वक्त भी पूछा जाता है कि उसकी रजामंदी लाजमी करार दी गई है। पाकिस्तानी सकाफत की बुनियाद चूँकि इस्लाम है, यानी इस सकाफत की जो खसूसियात हम बयान करते हैं तो पाकिस्तानी सकाफत के अंदर की सकाफती की जो मुश्तरक खसूसियात हैं वो इस्लाम में और दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर मरकूज हैं और इसी पर बुनियाद हैं और उस पर असास हैं। इसलिए मर्द और औरत के हकूक़ का तायुन इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर ही किया जाता है, यानी इस्लामी तालीमात जो हमें कुरान तफसीर की शक्ल में, फ़िक्र और शरीयत की शक्ल में और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और सीरत और तैयबा की शक्ल में हमें जो नुमाया तौर पर दर्स और तलकीन ताकीद की गई है उसी को बुनियाद बनाकर वही चीज़ें जो हम हमारे माशरे में हमारे सकाफत पर इस्लाम के जो रंग नुमाया हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। माशरे में पाकिस्तानी माशरा बुनियादी तौर पर सादा और हयादार है और लोग आमतौर पर रिवायत पसंद लोग हैं और उसी के मुताबिक और इनके जो ख्याल होते हैं, रस्म रिवाजात होते हैं और इसमें वो सादा और दिलचस्प हैं। ज़्यादातर लोग मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम में ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी अगर हम माशरत में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह देते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या कहते हैं, मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम को तरजीह देते हैं और लोग इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं और बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना और इसी के साथ लोगों में रवादारी बुरबारी का जज्बा मौजूद है उसी को बुनियाद बनाकर ये हमारे यहाँ हमारी सकाफत में नुमाया जो मुश्तरक खसूसियात में शामिल है वो इस्लामी रंग नुमाया है, यानी इस्लाम मज़हब इस्लाम का जो जज्बा है और जो रंग है वो गालिब और नुमाया है। ख्वातीन को इज्जत एहतराम की निगाह से देखा जाता है, ज़्यादातर आबादी देहात से जहाँ लोग क्या करते हैं यहाँ पर खेती बाड़ी करके और मवेशिया पाल कर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी को बुनियाद पर आकर शहर में अक्सर लोग मुलाजमत पेशा और ताजर किस्म के लोग होते हैं और अपने कारोबार को ज़्यादातर पर तरजीह देते हैं। शादी ब्याह अब भी रिवायती अंदाज में होते हैं, यानी हमारे यहाँ जितनी भी शादियाँ होती हैं वो रिवायती अंदाज में होती हैं और अपने माशरत की बुनियाद पर हम क्या करते हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं। यानी जिस तरीके से भी हमारे यहाँ मुश्तरक खसूसियात में हमारे यहाँ जितने भी मज़हब इस्लाम ने हमें जो दर्द दिया है, हमारे यहाँ जो मज़हबी यकजहती जिसमें मुकम्मल तौर पर हम इस्लामी रंग देखते हैं, इसी के साथ मखलूत सकाफत जो मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफतों से मखलूत होकर बन चुकी हैं और उसका रंग गालिब है, इस पर मर्द औरत के मकाम के बारे में जो इस्लाम हमें दर्ज देता है और मर्द को अलग इज्जत दी है, अलग मकाम और दर्जा दिया है, औरत को अलग मकाम और दर्जा दिए हैं और उसी को बुनियाद बनाकर मर्द के लिए अलग जगह और अलग हैसियत के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपने ही माशरे में और औरत अपनी ही दायराकार के मुताबिक अपने घर की चार दीवारी के मुताबिक वो अपने घर के अंदर की मालिक होती है और उसी के मुताबिक वो अपने खानदारी उमूर जो होते हैं वो बेहतर तरीके से सरंजाम देने की कोशिश करते हैं। माशरत में जिस तरह हमारे यहाँ जो मुश्तरक जो खसूसियात हैं, मुश्तरक जो हमारा जो सकाफती जो वरसा है उसी के मुताबिक जो खसूसियात में शामिल है कि वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं मुश्तरक ख़ानदानी सिस्टम को तरजीह देते हैं, यानी मुश्तरक ख़ानदानी सिस्टम में ज़्यादातर लोग मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम में क्या कहते हैं लोग देहातों में रहते हैं और इसी के मुताबिक ज़्यादातर लोग मुकम्मल तौर पर ख़ानदानी निज़ाम को ख़ानदानी मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम को तरजीह देते हैं। ख़वातीन को इज्जत देना, एहतराम देना, छोटों से शफकत और प्यार से पेश आना, बड़ों की इज्जत करना और मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम में दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देना, शादी ब्याह की तकरीबों में एक दूसरे का साथ देना, ये तमाम मुश्तरक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ अब भी हमारे सकाफती वरसे में शामिल हैं और उसमें बतौर खसूसियत के तौर पर हमारे यहाँ मुश्तरक निज़ाम में इस्लामी रंग नुमाया तौर पर वाज़ह नज़र आता है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ लिबास है,
ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान की वो सकाफ़ती वरसे में मुश्तरक खसूसियात में इसमें शुमार होता है और इसके मुश्तरक खसूसियात में शामिल है कि हमारे यहाँ इलाकाई नीयत की बुनियाद पर हम लिबास जो पहनते हैं पाकिस्तान का जो कौमी लिबास होता है वो लिबास है वो सादा और वक़ार है यानी बाइज़त और पुरवक़ार किस्म का बावकार है। मर्द शलवार कमीज या कुर्ता शेरवानी शेरवानी और टोपी या पगड़ी वगैरह पहनते हैं और फिर इसी के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो औरतें होती हैं वो शलवार कमीज और दुपट्टा जो होता है वो आम लिबास है औरत के लिए। फिर इसके साथ अलावा अजी हर इलाके का अपना लिबास है जो बाज़ इलाकों में नहायत की खुश रंग लिबास और फिर इसके साथ बारोक और बावकार होने के साथ साथ पहनने वाले के आला जोक की अलामत होती हैं जिन्हें मुख्तलिफ इलाके की बुनियाद पर वो क्या करते हैं अपने लिबास को तरजीह देते हैं। लेकिन जो हमारा कौमी लिबास है वो मर्द के लिए शलवार कमीज है और औरत के लिए जो शलवार है और इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो आम लिबास में शामिल होता है। ये हमारी सकाफत का एक व्यक्ता है और हमारी सकाफत का एक हिस्सा है जो बाज़ इलाकों में नहायत खुश रंग और बारोक और बावकार होने के साथ साथ पहनने वाले के आला ज़ोक का ज़ामिन होता है। इसी के साथ हमारे यहाँ जितने भी इलाकाई लिबासों में शलवार कमीज पगड़ी और टोपी बड़ी हद तक मुश्तरक है यानी ये खसूसियात हमारे यहाँ अपने यानी पाकिस्तान की सकाफ़ती वरसे में मुश्तरक खसूसियात में लिबास के मामले में मुकम्मल तौर पर ये वाज तौर पर मुश्तरक खसूसियात में शामिल हैं कि जहाँ पर लोग टोपियाँ पहनते हैं पगड़ी पहनते हैं और फिर इसके बाद शलवार कमीज जो है ना वो बड़ी हद तक मकबूल हैं। कढ़ाई वाला जो लिबास भी हैं वो औरतों में ज़्यादा मकबूल है और अलबत्ता हर इलाके के लिबास की जो कांट चांट होती हैं वो रंग डिज़ाइन मखसूस होते हैं। अगर हम सिंध की सकाफत को अगर हम देख लेते हैं और उसी को हम एनालाइज कर लेते हैं उसका तजिया कर लेते हैं तो औरतें वो अपने कपड़ों पर अपने लिबासों पर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा कढ़ाई सिलाई और चांद वगैरह कर लेते हैं और गुलकारी और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान में या कश्मीर के अगर हम कल्चर को हम स्टडी कर लेते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसी सकाफतें हैं जो मुश्तरक खसूसियात में शामिल हैं और औरतें अपने लिबास पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। इसी के साथ साथ और डिज़ाइन मखसूस होते हैं मगर तमाम तर लिबास जो होता है अमूमन जितने भी हमारे इलाकाई नीयत की बुनियाद पर सूबाई सतह पर जो हमारा जितना जो लिबास होता है मुख्तसर है कि लिबास के मामले में जितने भी हमारा लिबास है चाहे वो मर्द का हो चाहे वो औरत के साथ रिलेटेड हो वो बिल्कुल हयादार और पर्दे के तकाज़ों के ऐन मुताबिक होता है। मुकम्मल तौर पर इसमें पर्दे का अहतमाम खसूसी तौर पर किया जाता है और उसमें तकाजे के मुताबिक होते हैं। खुराक के मामले में पाकिस्तान में आम लोगों की रोज़मर्रा खुराक नहायत सादा है और इसमें गंदम की रोटी और चावल के साथ साथ गोश्त दाल सब्जी या तरकारी वगैरह और फिर इसके साथ ये लोग इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए दूध जैसी चाय और कावा और सादा पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये इनके खुराक में हमारे मुश्तरक खुराक में शामिल है। इनमें से हम क्या करते हैं गंदम और जौ की जो रोटी हम इस्तेमाल करते हैं और रोटी या चावल के साथ गोश्त दाल और फिर इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी की तरकारियाँ इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए जो हम क्या करते हैं इसको दूध लस्सी और चाय कावा वगैरह ये ज़्यादातर और सादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता शादी ब्याह और दावतों में ज़ियाफ़तों का अहतमाम भी किया जाता है और इलाकाई मौसमों और तग़य्युर तबद्दुल के ज़ेर असर जो मुख्तलिफ़ इलाकों की नीयत के हिसाब से होते हैं तो हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकरीबों में जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं वो इलाके की नीयत पर और उसकी माहौल पर डिपेंड करती हैं। अक्सर ज़्यादातर ज़ेर असर जो तग़य्युर तबद्दुल के ज़ेर असर जो मुख्तलिफ़ इलाकों में बाज़ ग़िज़ाएँ दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा मकबूल होते हैं। मिसाल के तौर पर अहले ख़ैबर पख्तूनख्वा के जो लोग होते हैं चूँकि सर्द और खुश्क इलाके में रहते हैं इसलिए यहाँ गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यहीं हम ख़ैबर पख्तूनख्वा के सूबे की हम लोगों की बुध बाश को हम उसकी खुराक और लिबास को हम क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं एनालाइज कर लेते हैं तो खुराक के मामले में जो ज़्यादातर सर्द और खुश्क इलाके में रहते हैं तो उनके इलाकाई तग़य्युर और तबद्दुल के लिहाज से वो अपनी खुराक में गोश्त को ज़रूर शामिल कर लेते हैं और उसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत मरगूब गज़ा में इसका इस्तेमाल होता है इस्तेमाल करते हैं और उसका गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। सिंध और पंजाब में दूध दही घी सब्ज़ियाँ
और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जो सब्ज़ी के रिलेटेड होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इलाके ज़्यादातर गर्म होते हैं। बलूचिस्तान में दुम्बे का गोश्त, बलूचिस्तान में दुम्बे का गोश्त और फिर इसके साथ पल और खुश मेवा जात जो है ना वो हर दिन अजीज़ होते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो मुख्तसर है कि जिस तरह भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो सकाफती वर्से में हम मुश्तर खसूसियात को हम मद्दनज़र रखते हैं और उसमें जितनी भी मुश्तर खसूसियात को हम स्टडी कर लेते हैं उसके मुतालिया करते हैं, तो ये बात भी सामने आ जाती है कि इनके मुताबिक हमारे यहाँ हमारी सकाफत पर जो मज़हब के रंग या मजहबी रंग जो होता है वो मजहबी या जीती की शक्ल में, फिर इस्लामी रंग नुमाया होने की वजह से जो हम बच्चों के साथ मोहब्बत, छोटों पर शफकत और फिर इसी के साथ साथ बड़ों का एहतराम, औरतों का अपना अपनी ही माशरे में एक अलग मकाम और एहतराम से पेश आना, फिर इसके बाद मर्द की अलग हैसियत और अहमियत की बुनियाद पर वो माशरे में अपने तमाम खानदानी उमूर को सर अंजाम देना एक बराह रास सरबरा की हैसियत से, और फिर औरत अपने घर की चार दीवारी के अंदर वो अपने तमाम खानदानी उमूर को सर अंजाम देने की कोशिश करती हैं बतौर एक मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल लीडर होने की हैसियत से। घर में जो जितनी भी खानदानी उमूर होते हैं वो उनको सर अंजाम देती हैं और वो सरबरा की हैसियत से अपनी उम्र सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं और सर अंजाम देते हैं। फिर इसके साथ साथ जितनी भी हमारे यहाँ जो मुश्तरक खसूसियात होती हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी मखलूत सकाफ़तें होती हैं और मखलूत सकाफ़तें हैं तो हमारे पाकिस्तान का जो सकाफ़ती वर्षा है मखलूत सकाफ़तों का असर उस पर नुमाया है, जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं ईरान, अरबी, यूनान और फिर इसके साथ साथ ईरान जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म के सकाफ़तें हैं ये हमारे मखलूत सकाफ़तों का हिस्सा हैं। फिर मर्द और औरत के मकाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद माशर, जिस तरह हमारे यहाँ मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, सादा लिबास खाते हैं पहनते हैं या सादा खुराक खाते हैं और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अपने मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी को तरजीह देते हैं। फिर इसके साथ साथ और जितने भी हमारे यहाँ माशरत में जितनी भी हमारे यहाँ जो शहरों के लोग होते हैं और वो अपने शहरों में ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो ज़्यादातर अपने कारोबार और अपनी नौकरी को ज़्यादातर तरजीह देते हैं और इसी के साथ वाबस्ता होते हैं। खुराक के मामले में इलाके की नीयत के मुताबिक हमारी खुराक होती है, सुबह के लिहाज से हमारी खुराक जो होती हैं बास खुराकें हमारे यहाँ मुश्तरक होती हैं और उसी को बुनियाद बनाकर हम खुराक के मामले में जितने भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो हर खुराक का जो मामला होता है सूबे के लिहाज से इलाके की नौयत के हिसाब से वो अलग अलग होता है। आज हमारा टॉपिक था वो पाकिस्तान का सकाफती वर्षा और उसके मुश्तरक खसूसियात के बारे में हम मुकम्मल तौर पर डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम अपने टॉपिक्स को वाइंड अप कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you so much.